यूपी में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा सीएम योगी ने कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने गृह, राजस्व, सूचना समेत 34 विभाग अपने पास रखे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी और केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति, बेबी रानी मौर्य महिला कल्याण और असीम अरुण को समाज कल्याण मंत्री बनाया गया है। अनिल राजभर को श्रम मंत्रालय, नितिन अग्रवाल एक्साइज मिनिस्टर होंगे। सूर्य प्रताप शाही को फिर से कृषि मंत्री का जिम्मा दिया गया है और इस बार कई पुराने मंत्रियों के मंत्रालय बदल दिए गए हैं ताकि 2024 और 2027 के टारगेट को पूरा किया जा सके। जिस दिन से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, उस दिन से उत्तर प्रदेश में कानून के दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गरीबों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है और मिडिल क्लास लोगों को ये भरोसा मिल गया है कि योगी हैं तो तरक्की मुमकिन है। एक के बाद एक सीएम योगी के ताबड़तोड़ फैसलों से सरकारी सिस्टम में खलबली मची हुई है। माफिया से लेकर दागी तक योगी के हंटर के आगे पनाह मांग रहे हैं। एक्शन किंग बन गए हैं योगी आदित्यनाथ और इस एक्शन को बरकरार रखने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपने सहयोगियों के बीच काम का बंटवारा कर दिया है। मतलब सीएम योगी ने तय कर दिया है कि कौन सा चेहरा कौन सा मंत्रालय संभालेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ गृह मंत्रालय के साथ साथ नियुक्ति और कार्मिक मंत्रालय भी देखेंगे। केशव प्रसाद मौर्य के पास ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा। स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दी गई है। स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्रालय देखेंगे। सुरेश खन्ना के पास वित्त मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय होगा। बेनी रानी मौर्य महिला कल्याण मंत्रालय संभालने वाली हैं। सुपर कॉप से विधायक बने असीम अरुण समाज कल्याण मंत्रालय देखेंगे। अरविंद कुमार शर्मा के पास दो दो मंत्रालय हैं, नगर विकास और ऊर्जा मंत्रालय संभालेंगे। कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को लोक निर्माण यानी पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी दी गई है। केशव प्रसाद मौर्य को पूरी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि ग्रामीण विकास में किस तरीके के काम होने हैं और जो प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास आते हैं वो ग्रामीण अभियंत्रण में ही आते हैं, ग्रामीण विकास में ही आते हैं। इसके अलावा जो गांव की सड़कों का काम होता है वो ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में आते हैं। तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी इस बार दी गई है। लेकिन जो पहले जिम्मेदारी हुआ करती थी केशव प्रसाद मौर्य के पास लोक निर्माण विभाग की, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से ब्रिजेस बनने हैं, किस तरीके से सड़कों का निर्माण होना है, इसको लेकर के बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जतिन प्रसाद को, जिनको कि लोक निर्माण विभाग का चार्ज दिया गया है। यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी होगी जतिन प्रसाद के ऊपर। इसके अलावा बात कर लिया जाए अरविंद कुमार शर्मा की, जो कि पहली बार मंत्री बनाए गए हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से ऊर्जा विभाग सौंपा गया है, साथ ही साथ उनके पास नगर विकास का जिम्मा सौंपा गया है, यानी कि जो पूरे शहर होंगे उनका सौंदर्यीकरण के साथ साथ ऊर्जा विभाग, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार जब चुनाव में जाती थी तो हमेशा इस बात का जिक्र करती थी कि कैसे उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग ने काम किया और कैसे पहले उत्तर प्रदेश की पहचान एक अंधेरे प्रदेश के रूप में होती थी, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से यहां पर जबरदस्त काम हुआ है और सरकार के देखरेख में, संरक्षण में यहां लाइट आनी शुरू हुई है। तो ऐसे में जो बिजली विभाग का काम है, ऊर्जा विभाग का काम है, वो अरविंद कुमार शर्मा को दिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का गठन हुए 3 दिन हो चुके थे, इसके बावजूद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो सका था। शपथ ग्रहण के बाद सभी की नजरें मंत्रियों के मिलने वाले विभागों पर लगी हुई थी कि हैवीवेट विभागों का जिम्मा किसे मिलता है। योगी सरकार के कैबिनेट में जिस तरह से हार के बाद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया था और दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई थी, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं। नरेश अग्रवाल के बेटे और राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल आबकारी मंत्रालय देखेंगे। योगी कैबिनेट में एकमात्र मुस्लिम चेहरा राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय संभालेंगे। राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अनिल राजभर को श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जो पिछली सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य देखा करते थे। सरकार किसी अव्यवस्था की शिकार न बने, भ्रष्टाचार की जद में न फंसे, जनता की सेवा भाव से डिगे नहीं, इसके लिए सीएम योगी ने सारे मंत्रियों को पहली बैठक में ही निर्देश दे दिए हैं। सूबे की सत्ता की कमान
दूसरी बार अपने हाथ में लेने के बाद सीएम योगी ने बता दिया है कि सरकार कैसे चलाई जाती है, कैसे जंग लगे सिस्टम में धार पैदा की जा सकती है, कैसे सुस्त सरकारी कर्मचारियों से काम लिया जा सकता है। कल मंत्रियों को मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई और आज स्पीकर का चुनाव होने वाला है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सतीश महाना 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बनेंगे। सोमवार को अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और किसी भी विपक्षी दल ने उनके खिलाफ नामांकन दाखिल नहीं किया। विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी सतीश महाना को समर्थन दिया है। शपथ के बाद से ही योगी आदित्यनाथ के एक्शन से हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के विकास और तरक्की के लिए योगी रोज नए प्रयोग करते हैं। योगी जानते हैं कि यूपी को नई सोच के साथ आगे बढ़ाना है, इसलिए उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में भी उन चेहरों को भी चुना है जिसे जनता ने भले ही रिजेक्ट कर दिया हो, लेकिन उनके काम की वजह से योगी ने उनको सेलेक्ट कर लिया। अब इन चेहरों के साथ विकास की लकीर को लंबा करना है ताकि 2024 के साथ साथ 2027 की लड़ाई भी आसान हो सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।